अधिक जन समर्थन के साथ और अधिक विश्वास के साथ हमें दोबारा देश की सेवा करने का अवसर देशवासियों ने दिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस दूसरे टर्म के प्रारंभ में ही हमारे सदन के आदरणीय सदस्य मदन लाल जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्यसभा के हर सत्र में अरुण जी की वाक्पटुता, उसको सुनने के लिए हर कोई सदस्य बड़ा उत्सुक रहता है। लेकिन इन दोनों वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर के फिर से हमें वो सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे विश्वास है। नेता के रूप में श्रीमान थावरचंद जी गहलोत सदन में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। पिछले दो दिन से जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, हमारे मित्र श्री डी राजा जी, श्री डेरेक ओबेरॉय, रामगोपाल यादव जी, मजीद मेमन जी, रामदास अठावले जी, टीके रंगरागन जी, जेपी नड्डा जी, सपन दास गुप्ता जी, करीब 50 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को समृद्ध किया है। सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात बताई है। कहीं खट्टापन भी था, कहीं तीखापन भी था, कभी व्यंग्य भी था, कहीं आक्रोश भी था, कहीं पर रचनात्मक सुझाव भी थे, कहीं जनता जनार्दन का अभिवादन भी था। हर प्रकार के भाव यहाँ प्रकट हुए हैं। और कुछ लोग वो भी थे जिनको मैदान में जाने का मौका नहीं मिला, तो वहाँ जो गुस्सा निकलना चाहिए था वो शायद यहाँ निकाला। तो ये भी देखा। माननीय सभापति जी, ये चुनाव बहुत खास रहा है। कई दशकों के बाद दोबारा एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना भारत के मतदाताओं के मन में राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या है, एक परिपक्व मतदाता की इसमें सुगंध महसूस होती है। और ये सिर्फ इस चुनाव में हुआ ऐसा नहीं, लगातार पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं देश में, उसमें हमारे देश के मतदाताओं ने किसी भी दल को स्थान दिया लेकिन बहुतेक स्थिरता को बल दिया है। ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत ही सुखद निशानी है। इस चुनाव संगठन का काम करता था तब भी बहुत चुनाव अभियानों को देखा है, चुनाव संचालन किए हैं। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आने के बाद चुनाव लड़ना लड़ाने का भी अवसर मिला है। लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जबकि चुनाव स्वयं जनता जनार्दन लड़ती है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से दलों से भी परे देश की जनता लड़ रही थी। देश की जनता ने इस पूरे चुनाव को अपने सर पर उठा लिया था और जनता खुद